तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथ ट्रिग्नोमेट्री का एग्जांपल नंबर 5 सॉल्व करेंगे। एग्जांपल में आपको दिया गया है इन ट्रायंगल OPQ, आपके पास कोई एक ट्रायंगल है OPQ, राइट एंगल एट P। राइट एंगल किस पर है? P पर है, मीन्स 90 डिग्री। ठीक, OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। जो OP वाली साइड वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर। एंड OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। आपको साइन क्यू और कॉस की वैल्यू बतानी है। ठीक, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में गिवन क्या दिया गया है वो लिख लीजिए। ठीक, गिवन में दिया गया आपको इन ट्राइंगल OPQ। ठीक, राइट एंगल एट P। ठीक, एंड आपको दिया गया है OP इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। ठीक, एंड और क्या दिया गया है? OQ माइनस PQ इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 1 सेंटीमीटर दिया गया ना। ठीक, ध्यान से देखिए, OQ माइनस PQ इन दोनों में से किसी एक का आप वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ठीक, या तो इन दोनों में से किसी एक को वेरिएबल में लेट कर लीजिए। ठीक, ध्यान से देखिएगा, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से लेट करते हैं, लेट PQ इज इक्वल टू X। मैंने मान लिया PQ को X। ठीक, अब ध्यान से देखें, यहाँ पर OQ माइनस PQ है ना, PQ को मैंने क्या लेट किया? X लेट कर लिया। इज इक्वल टू कितना है? 1। यदि मैं यहाँ से OQ का वैल्यू निकालूँ, OQ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 1 पहले से है, माइनस का X उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? प्लस का X। ठीक, अब ध्यान से देखिए, OQ वाली साइड कितनी आ गई? 1 प्लस X। OQ ये रहा, कितना है? 1 प्लस X। ठीक, और PQ को मैंने क्या माना है? X माना है, तो ये आपका X हो गया। ठीक, अब रखते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर। ठीक, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? H का स्क्वायर इज इक्वल टू में P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ठीक, हाइपोटिनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेनिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, ध्यान से देखिए, हाइपोटिनियस कितना दिया गया आपको? 1 प्लस X का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है आपका? X है, तो X का स्क्वायर प्लस बेस कितना है आपका? 7, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर। ठीक, ध्यान से देखिए, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × a कितना है? 1 × b कितना है आपका? x। ठीक, इज इक्वल टू x का स्क्वायर करेंगे तो बताइए x स्क्वायर होगा प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। ठीक, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 प्लस x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2, फिर 2 का मल्टीप्लाई यदि x में किया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू में क्या आपका? x स्क्वायर प्लस का 49। ठीक, ध्यान से देखिए, ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट गया तो क्या बचा आपका? 1 प्लस 2x इज इक्वल टू कितना? 49। ठीक, यदि मैं यहाँ से 2x को पकड़ लूँ, 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये 49 पहले से, ये प्लस का 1 है ना, जब ये इक्वल किधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान से देखिए, 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 48। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू में 48, ये मल्टीप्लाई में 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। ठीक, इसको हम लोग कट करेंगे मतलब कि कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर। ठीक, मीन्स जो PQ वाली साइड है वो कितनी है? 24। ठीक, तो OQ क्या आ जाएगा? देखिए, यहाँ पर x की जगह 24 रखेंगे और प्लस 1 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ठीक, 24 सेंटीमीटर। ठीक, आपको साइन क्यू और कॉस की क्यू वैल्यू भी तो बतानी है ना। ठीक, ध्यान से देखिएगा, साइन क्यू ये याद करिए कि साइन का रेशियो क्या होता है? P/H, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। किस एंगल से बोला गया है? क्यू से। अब बताइए, यदि हम लोग एंगल क्यू से देखेंगे तो क्यू के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर कितना है आपका? 7। ठीक, और हाइपोटेनियस कितना है आपका? 25। ठीक, अब निकालते हम लोग कॉस क्यू। कॉस का रेशियो होता है B/H। ठीक, बेस अपान में हाइपोटेनियस किस एंगल से बोला गया है? क्यू से। यदि क्यू से देखेंगे तो कौन सी साइड बेस होगी? PQ कितना है? 24। ठीक, और हाइपोटेनियस कितना है आपका? 25।
5। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।